नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बिहार में फिर 16 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन 3 का ऐलान कर दिया है। गृह विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। राज्य सरकार ने इस महामारी के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की हुई बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद इसका फैसला लिया गया। लॉकडाउन की अवधि को 1 अगस्त से बढ़ाकर 16 अगस्त के लिए प्रभावी कर दिया गया है। लॉकडाउन पूर्व की तरह ही होगा, लेकिन इसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं। सरकारी दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालयों को भी 50% कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दिल्ली सरकार ने की वेट में अब तक की सबसे बड़ी कटौती। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए डीजल पर लगने वाले वेट में भारी भरकम कटौती कर दी है। दिल्ली कैबिनेट ने डीजल पर लगने वाले वेट में 13.25% की कटौती करने का निर्णय लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी तक दिल्ली में डीजल पर 30% वेट लग रहा था, जिसे घटाकर 16.75% तक कर दिया गया है। वेट में कटौती से डीजल की कीमत में 8.36 रुपए की कमी आएगी। कल तक दिल्ली में जो डीजल 82 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, अब वह 73.64 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने जॉब पोर्टल शुरू करने और रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम शुरू करने की अनुमति देने समेत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी ने की कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक, फिर उठी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में कई सदस्यों ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रिपुन बोरा, पीएल पूनिया, छाया वर्मा और कुछ अन्य सदस्यों ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान सौंपने की पैरवी की है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। संसदीय समिति ने रखी मांग, ओबीसी के लिए क्रिमिनल एयर की सीमा बढ़ाकर की जाए 15 लाख, वेतन और कृषि आय न हो शामिल। जी हां दोस्तों, संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए क्रिमिनल एयर की सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाए। वहीं वार्षिक आय के निर्धारण में वेतन एवं कृषि से होने वाली आमदनी को शामिल नहीं किया जाए। पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की है। ओबीसी वर्ग से संबंध रखने वालों के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि 8 लाख रुपए से अधिक की सालाना आमदनी वाले परिवार क्रिमिनल एयर में आते हैं। भाजपा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने भारत सरकार के तहत आने वाली सेवाओं एवं पदों पर ओबीसी के लिए रोजगार में क्रिमिनल एयर को तर्कसंगत बताने संबंधित रिपोर्ट में अनुशंसा की है और मांग की है कि क्रिमिनल एयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी जाए। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में भर्ती, स्टेबल बनी हुई है कंडीशन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें अस्पताल में शाम 7 बजे भर्ती कराया गया। अस्पताल के चेयरमैन डीएस राणा ने बताया है कि सोनिया गांधी को रूटीन जांच के लिए भर्ती कराया गया है। उनकी कंडीशन स्टेबल बनी हुई है। इसके पहले फरवरी महीने में भी सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल में पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में अघोषित तख्ता पलट, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर सेना ले रही है फैसला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सत्ता प्रतिष्ठानों में सेना की दखल कोई नई बात नहीं है। 1947
1947 के बाद पाकिस्तान में करीब आधे समय तक वहां सेना शासन में रही है। पाकिस्तानी सेना को जब भी नागरिक सरकार से चुनौती मिलती दिखी या उसे लगा कि उसके रसूख एवं प्रभाव में कमी आ रही है तो उसने तख्ता पलट किया है। पाकिस्तान की नागरिक सरकारें कभी सेना के दबाव से मुक्त नहीं रह पाई हैं। सरकार की नीतियों में रावलपिंडी का हस्तक्षेप हमेशा रहा है, लेकिन 5 अगस्त के जम्मू कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तानी सेना सरकार के नीतिगत फैसलों में कुछ ज्यादा सक्रिय हो गई है। सेना प्रमुख जनरल बाजवा के कार्यकाल का विस्तार भी इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। बाजवा का सेवा काल और 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वह अब नवंबर 2022 में रिटायर होंगे। इमरान खान को चुना हुआ नहीं बल्कि सेलेक्टेड प्रधानमंत्री बताया जाता है। पीपीपी और पीएमएलएन का आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई और सेना की मदद से इमरान खान प्रधानमंत्री बने। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इमरान खान सेना की पसंद है। वह खुद कहते आए हैं कि पहली बार सेना और सरकार एक पेज पर है, यानी कि सेना और सरकार के बीच इतना मेलजोल और निकटता कभी नहीं रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हार्दिक पटेल की याचिका खारिज, बिना इजाजत राज्य के बाहर जाने पर जारी रहेगी रोक। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की जमानत की शर्त में संशोधन करने का अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस शर्त के तहत अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उसके राज्य से बाहर जाने पर रोक है। गुजरात सरकार की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीजे गणात्रा ने पटेल की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने उस शर्त को बरकरार रखा है कि कांग्रेस नेता जब भी राज्य से बाहर जाना चाहेंगे तो वह हमेशा अदालत से संपर्क कर सकते हैं। वर्ष 2015 में पटेल के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने के चलते इस अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पटेल की गिरफ्तारी के बाद जनवरी में उन्हें जमानत दी गई थी। जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि कांग्रेस नेता अदालत की पूर्व अनुमति के बिना गुजरात नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे यात्रियों को दे रहा है बड़ा तोहफा। आरामदायक सफर के लिए 44 वंदे भारत ट्रेन शुरू करेगी रेलवे। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने हमारी यात्राओं को ज्यादा आरामदायक और सुगम बनाने के लिए वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के काम में तेजी लाने का फैसला किया है। साल 2022 तक 44 वंदे भारत ट्रेनों के पटरी पर उतर जाने की उम्मीद है। वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण 3 रेल इकाइयों में किया जा रहा है। ये इकाइयां रेलवे कोच फैक्ट्री कपरथुला, मारडन कोच फैक्ट्री रायबरेली और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है। साल 2022 तक 44 वंदे भारत ट्रेनें रेल नेटवर्क में शामिल हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत के पास राफेल लड़ाकू विमान आने से डरा पाकिस्तान, दुनिया से लगाई गुहार। जी हां दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान के भारत आते ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों से कहीं ज्यादा हथियार जुटाने में लगा हुआ है। भारत के इस कदम से दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से माहौल अशांत हो जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर भी अपील कर भारत को हथियार जमा करने से रोकने की अपील की है। आपको बता दें कि राफेल विमानों की पहली खेप फ्रांस से भारत बुधवार पहुंच चुकी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सीरिया में तुर्की के हमले से गहराया मानवीय संकट, 70,000 लोगों के विस्थापन के बाद बोले ट्रंप, हमारा फैसला सही। जी हां दोस्तों, उत्तर पूर्वी सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तुर्की की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई की वजह से मानवीय संकट की स्थिति पैदा हो गई है। सीरिया में अमेरिकी समर्थक कुर्द बलों को निशाना बनाकर तुर्की की ओर से किए गए हवाई हमलों के बाद हजारों लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत ने तुर्की की कार्रवाई की निंदा की है, तो अमेरिका ने उत्तर पूर्वी सीरिया से अपने सैनिकों को अचानक ही वापस बुला लेने के फैसले को जायज ठहराया है, जिसे कुर्द बल अपने साथ विश्वासघात के तौर पर देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तुर्की की ओर से बुधवार को कुर्द ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों की वजह से लगभग 70,000 लोग विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हालात पर गहरी चिंता जताते हुए तुर्की से अपनी एकतरफा कार्रवाई रोकने के लिए कहा है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान केरल तटीय कर्नाटक उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कोंकण गोवा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा के आसार है। वहीं उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर गिलगित बल्टिस्तान मुजफ्फराबाद उत्तराखंड लद्दाख झारखंड गंगीय पश्चिम बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ शेष मध्य प्रदेश दक्षिणी गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना रायलसीमा तटीय आंध्र प्रदेश आंतरिक तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में डीजल 8.36 रुपए हुआ सस्ता। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने डीजल पर लगने वाले वेट को कम करने का निर्णय लिया है। डीजल पर अभी तक वेट की दर 30% थी, अभी से घटाकर 16.75% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद अब दिल्ली में डीजल पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो गया है। डीजल की कीमतों में 8 रुपए से अधिक की कमी आई है। दिल्ली सरकार का मानना है कि डीजल की कीमतों में कमी आने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली कैबिनेट ने डीजल पर लगने वाले वेट की दरों को 30% से घटाकर 16.75% करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से दिल्ली में डीजल की कीमत घटकर 73.64 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चांदी की कीमतों में आई 2300 रुपए से ज्यादा की गिरावट। जानिए 10 ग्राम सोने के क्या है भाव। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी से गुरुवार को दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमतें 118 रुपए बढ़ गई हैं। हालांकि सोने में तेजी के उलट चांदी के भाव में गिरावट आई है। एक किलोग्राम चांदी का भाव 2384 रुपए प्रति किलो तक घट गया है। इसके साथ ही दिल्ली में एक किलोग्राम चांदी का भाव 66484 रुपए से घटकर 64100 रुपए हो गया है। वहीं सोना 118 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 53860 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार का बड़ा फैसला, इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़ाई, अब 30 सितंबर तक कर सकेंगे दाखिल। जी हां दोस्तों, सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 2 महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने कहा है कि इस महामारी के वजह से आयकरदाताओं को और राहत देते हुए CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम से बुक करें गैस सिलेंडर, पाएं 500 रुपए तक का कैशबैक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस महीने गैस सिलेंडर में 500 रुपए तक की छूट पाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। दरअसल पेटीएम ऐप के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर ग्राहकों को 500 रुपए तक का कैशबैक मिल रहा है। हालांकि ये ऑफर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पहली बार पेटीएम से गैस सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं। अगर आप पहले भी बुकिंग कर चुके हैं तो आप इस ऑफर का फायदा नहीं ले पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 1 अगस्त से होंगे कई बदलाव, कार और बाइक खरीदना होगा सस्ता। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त से आपकी जेब पर पड़ने वाले कई नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों में गाड़ी और बाइक खरीदना सस्ता, खाते में न्यूनतम बैलेंस पर शुल्क, ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम, पीएम किसान स्कीम की किस्त आदि शामिल हैं। तो दोस्तों 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल का और बाइक के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त से यह बताना जरूरी होगा कि वो जिस उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं वह कहां पर बना है, यानी के उत्पाद के मैन्युफैक्चरिंग देश का नाम लिखना अनिवार्य होगा। वहीं 1 अगस्त से कई बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बैंकिंग नियमों में यह बदलाव होने जा रहा है। वहीं कुछ बैंक नगद निकासी पर शुल्क वसूलने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकार 1 अगस्त से पीएम किसान योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की छठी किस्त भेजना शुरू कर देगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। टोयोटा फेस्टिव सीजन में लॉन्च करेगी नई सब कॉम्पैक्ट SUV, विटारा ब्रीजा को देगी टक्कर।
जी हाँ दोस्तों, जापानी कार कंपनी टोयोटो किर्लोस्कर मोटर भारत में अपनी नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। टोयोटो की नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा जैसी होगी। यह आने वाली फेस्टिव सीजन में आएगी। जापानी कार निर्माता कंपनी अगस्त से पहले ही न्यू सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस महामारी के कारण इसमें देरी हो गई है। टीकेएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवीन सोनी ने कहा है कि भारत में 4 मीटर से छोटे साइज वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी को काफी पसंद किया जाता है। यह सेगमेंट कुल पैसेंजर व्हीकल में अकेले ही 10-11% की हिस्सेदारी रखता है। उन्होंने कहा है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी एकमात्र ऐसा सेगमेंट है जिसमें बीते साल ग्रोथ दर्ज की गई है। सोनी ने आगे कहा है कि हम लंबे समय से इस सेगमेंट का मूल्यांकन कर रहे हैं और अब हम इस फेस्टिव सीजन में अपनी खुद की कॉम्पैक्ट एसयूवी लेकर आ रहे हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।